बढ़ते अगली खबर की ओर। 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक भाजपा पार्टी द्वारा देश के धार्मिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया है। इसी कड़ी में आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी व थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने न्यू कॉलोनी थानेसर स्थित सनातन मंदिर में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। सांसद नायब सिंह सैनी व विधायक सुभाष सुधा ने मंदिर परिसर व मंदिर के बाहर सफाई करके लोगों से धार्मिक स्थलों की सफाई करने का आह्वान किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से आह्वान किया है कि 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक पूरे देश के धार्मिक स्थलों में स्वच्छता अभियान चलाया जाए। नायब सैनी ने कहा कि 500 साल बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है और 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, जिसको लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को दोबारा से दिवाली मनाई जाएगी। सभी लोग अपने घरों की साफ सफाई करें व धार्मिक स्थलों की भी सफाई करें और धार्मिक स्थलों पर लाइटिंग की व्यवस्था भी की जाए और सभी अपने घरों में 22 जनवरी को कम से कम 5 दिए जरूर जलाएं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति लोहड़ी का महापर्व और 22 जनवरी तक भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के अंदर हो रही है। हम सब सभी तीर्थ स्थानों को वहां पर स्वच्छता अभियान चलाएं। हमारे जो मंदिर हैं, हमारे गुरुद्वारे हैं, हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, उन सब में स्वच्छता करें और वहां पर स्वच्छता के साथ साथ लाइटिंग की व्यवस्था वहां पर हो और 22 जनवरी को भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उसको एक दीपावली के उत्सव के रूप में हम सब मनाएं। अपने घरों की सफाई करें, घरों के अंदर